नमस्कार, हिंदुस्तान हकीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाबर कंपनी के हेयर ऑयल के बारे में, जिसका नाम है कैराटेक्स ऑयल। ये जो कैराटेक्स ऑयल है, ये डाबर कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड है और ये डाबर कंपनी का प्रोडक्ट है जो बालों की समस्याओं में काम में लिया जाता है। तो बात करें यहाँ पर इस कैराटेक्स ऑयल की कंपोजिशन की, तो इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए जाते हैं वो आयुर्वेदिक इन्ग्रीडियंट्स है, जैसे कि इसमें ज्योतिषमती है, ब्राह्मी है, जटामासी है, तिला तेल है और मंजिष्ठा है। तो इस प्रकार के इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। बात करें इसकी जिसकी एमआरपी की, तो ये 172 रुपये की एमआरपी में आपको मिलता है, जिसके अंदर 100 एमएल ऑयल मिलता है और ये डाबर कंपनी का प्रोडक्ट है। ये बालों की समस्याओं में काम आता है, जैसे कि हेयर फॉल में, डैंड्रफ में और भी बालों की परेशानियों में काम में लिया जाता है। तो चलिए इसकी आपको मैं पैकिंग दिखा देता हूँ अंदर से। तो ऐसा आपको यहाँ पर बोतल मिल जाता है प्लास्टिक का अंदर से, और ऐसे अंदर आपको यहाँ पर इसमें बोतल मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो कैराटेक्स ऑयल है किस किस प्रकार की बालों की समस्याओं में काम में लिया जाता है, इसका उपयोग कैसे करना और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैराटेक्स ऑयल किस किस प्रकार की समस्याओं में काम आता है। तो जो डाबर का जो कैराटेक्स ऑयल है, ये बालों की झड़ने की समस्या को कम करता है, रूसी को नियंत्रण करता है, अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत है तो डैंड्रफ को ख़त्म करता है, सिर की जो त्वचा होती है उसको पोषण देने में मदद करता है, अगर आपको दो मोड़ के बाल की शिकायत हो रही है, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उसमें ये काम करता है। साथ में जो कैराटेक्स ऑयल है, ये आपके बालों को काला मुलायम बनाने में भी काफ़ी मदद करता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, जो ज्योतिषमती तेल है, मालकाग्नि का तेल है, वो आपके सर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बना रखता है। जो जटामासी तेल है वो आपके त्वचा के अंदर जो रक्त की जो पूर्ति होती है उसको बना रखता है। साथ में आपको यहाँ पर शीतलता प्रदान करने में मदद करता है और त्वचा के रोगों को ये ख़त्म करता है। जो इसमें ब्राह्मी जड़ी बूटी डली हुई है वो आपके सर की जो त्वचा होता है उसको शीतलता प्रदान करता है। साथ में आपके यहाँ मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, जिसके कारण आपके यहाँ पर जो सर के बाल हैं उसमें काफ़ी अच्छा लाभदायक रहता है और सर की त्वचा की भी परेशानी होती है उसके में भी काम करता है। इसके अलावा जिसमें मंजिष्ठा डला होता है वो रक्त के जो संचार होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा की जो परेशानी होती है उसमें काम करता है। इसके अलावा जो इसमें जड़ी बूटी डलती है, तिल का तेल है। अब आयुर्वेदिक के अनुसार जो तिल का तेल है वो सर की त्वचा और सर के लिए और बालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसकी मालिश करने से जो सर के जो बाल रहते हैं वो काफ़ी अच्छे उसको पोषण मिलता है और सर का दर्द भी कम रहता है। इसके अलावा सर का जो रंग है वो भी बना रहता है और बढ़ाने में सहायक रहता है। तो जो डाबर का कैराटेक्स हेयर ऑयल है, ये बालों की समस्याओं के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका उपयोग अगर आपको बालों की समस्या है तो आपको यहाँ पर जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो इसका उपयोग रात को सोते वक्त आपको यहाँ पर हल्के हाथ से सोते वक्त इसकी मसाज करनी है। इसका उपयोग जो रोजाना आपको यहाँ पर रात तक सोते वक्त हल्के हाथ से करना है। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का सावधानी रखनी है। तो इसके वजह से तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर अगर आपको तेल लगाते वक्त किसी प्रकार की समस्या होती है, एलर्जी हो रही है, तो ये तेल आपको यहाँ पर बंद कर लेना है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उपयोग करना है। वैसे इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको बालों की समस्या है तो आपको अब हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कभी भी बालों के साथ जो शैम्पू है, कंडीशनर है, इसका उपयोग आपको यहाँ पर सही मायने में करना चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर जो बालों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बालों में वैक्स हुआ या जेल हुई इस प्रकार के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो वो बालों के लिए काफ़ी ख़राब होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आप बालों के जो अगर आपको परेशानी है तो आप खाने का जो डाइट है उसमें काफ़ी सुधार कीजिए, पोषण आहार का आपको यहाँ पर सेवन करना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको जो हेयर ऑयल चाहिए तो ये बाज़ार में किसी भी आयुर्वेदिक यूनान स्टोर मिल जाता है, मेडिकल पर भी ये ऑयल आपको अवेलेबल मिल जाता है। और साथ में इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो उसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। बाय बाय।